ये लो, बहुत एहतियात करना ज़ायदा, अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबैरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफिया की आजिज़ाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है ज़ायदा, अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी, सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा। दुश्मनान अली ऐनुलवदा में तवामीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया, इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है। मिलने की तमन्ना ही हमारे चाक दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसैयब, बिनवाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबह के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया, और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबीन आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर पर रखते हैं, हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा आबियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुजैफा होगा। हमारी तमाम खबरें इन लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। खुदा के हवाले मेरे भाई। खुदा की पनाह में मेरे भाई। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से खत लेकर आया हूं। मुख्तार? खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तवाबीन की मदद के लिए आया होता तो ऐनुल वर्दा के इस जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजाअतों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मदहोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है। मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। आजमजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तव्वाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐनुल वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद भी ऐनुल वर्दा की तरफ चला आता, अगर जुबेरियों की गुल जंजीर का कैदी ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबेरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया, उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुँच कर उसे कैद करके ले गए थे। इसरत तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इजहार करके उसके पीठ पर छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबेरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब? क्या बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फाते बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत न बचे। सुभान अल्लाह। तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐनुल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए। इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तब्बबिन तुम्हारे साथ। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है। ये लो, तुम खुद पढ़ लो। क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो, यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आज़ादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आज़ाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी। मुझे लगता है कि तवाबीन की ऐनुल वर्दा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले। ये बताओ खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया? खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा? अब तक तो नहीं की। मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर ले। लानते खुदावंद और शैतान रजीम पर। इस छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है। आजाद हो गया। बजाहिर तुम्हारी पुष्ट बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहाँ भी रंग ले आएगी। खलीफा ज़ादे के खत ने अपना काम कर दिखाया। यकीनन बिन यजीद ने उमर के बेटे की सिफारिश के बारे में अपने जुबैर से बात नहीं की, वरना वो मेरी आजादी के हुक्म के साथ अपनी मौत का हुक्म सादे न करता। वो लोग तुमसे वादा लेने आए हैं ताकि तुम बैत न तोड़ो और हंगामा आराई न करो। जैसा कि नजर आ रहा है कि तलातुल खैर का नवासा तुम्हारी आजादी के खिलाफ है, मगर बिन यजीद ने उसे चुप करा दिया है। तुम ध्यान रखना और उसको गुस्सा मत दिलाना। इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल ले, जल्दी करो। तुम्हारे कदम जिंदान के बाहर पहुंच जाए तो कोई तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं छू सकेगा। अपनी शाल और खबा पहनो और चलो। वालेकुमुस्सलाम। मेरी आंखें अंधेरे में रहने से धुंधलेपन का शिकार हो गई हैं, वरना मैं अहले मार्फत के दीदार में सलाम करने में पहल करता ताकि दुगना सवाब हासिल करूं। मुख्तार, जो शख्स अपनी कुर्सी और मनसब को दाव पर लगा रहा है ताकि तुम ऐसे आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी की खुशियों तक पहुंच सको और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। मुझे मालूम है कि तुम्हें आजाद करना मेरे लिए तकलीफ देह होगा, मगर क्या करूं। उसने मुझसे तुम्हारी आजादी की दरखास्त की जो मेरे लिए निहायत मोहतरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस नेकी का सिला यूं दोगे कि जब तक हम कूफा में हैं तुम आले जुबैर के खिलाफ कूफे में कोई कदम नहीं उठाओगे और हमारी बेइज्जती नहीं करवाओगे। मेरे अपने और मेरी जमीनें लावारिस पड़ी हुई हैं और मेरी खेती बाड़ी का काम भी तबाह हो गया है। मैं वादा करता हूं कि मेरी तलवार नियाम से बाहर ना आए, सिवाय किसी बेलचे के दस्ते को तराशने के लिए या दरख्त की कटाई के लिए। मैं चाहता हूं कि अपनी जायशुदा जिंदगी को किसी हसीन दरख्त की परवरिश में या किसी पौधे के बढ़ने के मंजर को देखने से करता रहूं और अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दूं। जाओ मुख्तार, जाओ, तुम अब आजाद हो। अब बाकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तवाबीन के यतीम बच्चों पर सर्फ करो। कीनातूजियों और दुश्मनियों का कोई समर नहीं है सिवाय कोफे के यतीमों में इजाफे के। आजादी मशरूत है मुख्तार। मशरूत किस बात पर? तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे। और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1000 ऊँटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, सबको आजाद करना होगा। अमीर, क्या ये सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है? हाँ, मुख्तार आजाद हो गया है। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पिसरे साद। तुम लोगों को रोजे रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है। हाँ, क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो? हाँ अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था। हाँ जानता हूँ मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज व मोहतरम है और उसकी हुर्मत वाजिब है। आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी आशुब यानी जंग। आपने एक खलीफाजादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसलत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफाजादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्न उमर के हुक्म को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बर्पा करना चाहता है, अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बायस था शेमर, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालिहत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत न करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है। वो अपने ख्वाबों के ताजो तख्त को पाने के लिए कुरान तो क्या साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा। अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा सियासत व जंग है। मैं बारहा उसके आगे मगलूब हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते। काफी है उमर साद। काफी है। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि ये मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचाने। तुम जाओ और उन हड्डियों से पनाह मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम व मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। बिन यजीद और वलीद इतनी मिली है बिन यजीद और वलीद इतनी मिली बिन यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय इतनी बिली है हाय हाय चकरा राय हाय हाय बिन यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय इतनी बिली हाय हाय इतनी बिली हाय हाय बिन यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय बहुत वलीद हाय बिन यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय इतनी बिली है हाय हाय चकरा राय हाय हाय बिन यजीद हाय हाय वलीद हाय हाय। बंद करो, तुम लोग भी वही हरकतें करोगे मलून कहीं के। ये सारी बकवासियात मेरे माँ बाप के बच्चों के लिए, सड़क चाप बदमाश और बिगड़े हुए बच्चों को सेफ देता है। तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए हो और दूसरों के लिए नारे लगाते हो। अम्मा जानिया, बाबा फिर जानी मरीज बन गए। रोना मत मेरी जान, मत घबराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनके तुम पे पाँव रख दिया है। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है। ये जिन सदा हो गए हैं मेरी जान। तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। अब्बू, गली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज, क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे। खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने। ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पाँव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ, तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवासियात सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का फिरते जबान है। शाबाश है मोहतरमा, क्या पुरअमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पुरअमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें। जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरियर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो बेअसर नहीं है, उनके पास कनीजे और नौकरानियाँ नहीं है ना। मैं सच के जाऊँ बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भिकमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे। भूल गए? बस भी करो जारिया, तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने, मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरा से हमारे घर को घेर लिया। उमर, कुफा अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते। तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत ख्वारी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला। तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तोहफे और लानत की। हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत, मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं जब तक तो गुफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करें। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने गुफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम ड्रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया। रे का मामला अलग था और फिर मुझे गुफे से क्यों चले जाना चाहिए? गुफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? तो गुफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम गुफे से चले जाएं, मैं गुफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसरे साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ? मेरे बच्चे। बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हाफ्स इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, सतार जंग करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोरों चके तुम्हारी जान के पीछे हाथ धोके पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तोहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला उड़ते। जब उमर साद के बेटे को देखे तो अपना हमल गिरा दे। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? और यान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यहाँ हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। उरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी बहस बढ़ गई। उरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र सात का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर उरियान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमारी करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खतों किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को खार में छुपा लिया है और अतराफ की खबर नहीं लेते। आज कुफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कुफा के मनफूर हो। कुफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मज़ाहिया अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबैरियों के नजदीक कोई कदर व मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर। यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, हमारे पास कूफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो। ये शख्स नौ मन दूध वाली गाय की तरह हो गया है। कामयाबी से भरे हुए दूध के बर्तन को एक लात से गिरा दिया है। बिन मोती, इससे पहले कि तुम्हारे हुक्म की मोहर सूख जाए अपने आप को कूफा पहुंचा दो और कहानी खत्म कर दो। खुदा करे कि देर ना हुई हो। हाँ, अभी निकले नहीं हो कि पहले ही हार गए। कूफा एक खौफनाक मैदान है, मुझे फिक्रमंद होने का तो हक दीजिए। कूफे में सियासत और तलवार बैक वक्त चलाई जानी चाहिए, वरना हम उसे संभाल नहीं सकते। जनाब अली, ये फिदवी तो उसी वक्त बिन यजीद को कूफा भेजने के खिलाफ था। बहुत सियासतबाज था वो। ये तो सियासत नहीं है, उमर के बेटे का फैला हुआ पांव है। वो दावा करता है कि सियासत और हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं रखता, मगर हमारे बाज हुक्मरानों के साथ मुकादमा करता है। खत लिखा है उसने। अल्लाह अकबर! हुकूमत और एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है, उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तोफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है, तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शम्र और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो। उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। देखने का अरमान था बिन शुरे, क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? हम दुआगो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो। कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं, हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार ज़राअत से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है? कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं। रोज़े रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए, इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी? ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब, उनकी राय क्या थी? फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल बजा काम किया है। उमरा करने को पहुंचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा। सुना है कि ज़ैनुल आबदीन ने अपने चचा को कूफे के मामलात में अपना वकील बनाया है। तुम इतने सारे अफराद के साथ किस इलाके को फतह करने का इरादा रखते हो? कूफे का आजम रखता हूँ बिन शुरै, हुक्म इमारत कूफा के साथ, और ये वो जिम्मेदारी है जो खलीफा ने मेरे कांधों पर डाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिन यजीद गलत साबित हुआ। यकीनन उसकी तवाबीन से हिमायत खलीफा को नाराज कर रही है। नहीं अब्दुर्रहमान, नहीं, तवाबीन की हिमायत खलीफा का ईमान है। ताज्जुब है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दूर के कोड़ी लाए। जमाने के खेल से मुझे हंसी आती है बिन शुरै। जब मुझे इमारत का हुक्म मिला तो मुझे याद आ गया कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी मुझे सबसे पहले दाढ़ी चलानी है। हैफ है, तुम्हारा मक्का में ज्यादा ठहरने का इरादा तो नहीं है? कूफे में तुम्हारे पास मेरे अलावा इतनी मसरूफियात होंगी कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जियारत करके बड़े आराम से वापस लौट सकते हैं। आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। और हाँ, हमारे दोस्त की क्या खबर है? अगर खुदा का कह रहे हो तो हम नजारा कर रहे हैं, और अगर शैतान के बारे में कह रहे हो तो जनाबे वाला बेहतर जानते होंगे। अपने आप को धोखा मत दो, हम दोनों का खुदा और शैतान के अलावा एक तीसरा दोस्त भी है, उसका नाम अबू इसहाक मुख्तार है। मुख्तार या जिंदान में है या मैदान में। बज़ाहिर बिन यजीद ने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार बना दिया है। मैंने सुना है उसने मुख्तार को कैद कर लिया है। मुख्तार को जब मैदान में होना चाहिए वो कैद में होता है, और जब उसे कैद में होना चाहिए वो मैदान में होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम कूफे से बेखबर हो। बिन यजीद ने मुख्तार को आजाद कर दिया और अपने आप को कैदी बना दिया, और इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूँ। अंदाजन हम कहाँ हैं अबू साहब? श्रीकार के करीब। बड़ा हैबतनाक सहरा है। मुझे हैरत है कि मुख्तार इस सहरा से अकेले कैसे जान बचाकर निकल गया। माजरा चाहता हूँ अमीर, मुख्तार इंसानों से ज्यादा जिन्नात से शबात रखता है। बहुत खूब उम्मे सलीम, हाँ, जुदाई का मौका आ गया। हम बसरा में अजनबी हैं अब्दुल्ला, वहाँ हम किसी को नहीं जानते। मैंने जनाब मुसब को लिखा है कि आप लोगों का ख्याल रखें ताकि आप लोगों को अजनबियत का एहसास ना हो। बेफिक्र रहिए, आप बसरा में खुश रहेंगी। हुकूमत बनी जुबैर के बहुत से बाअसर अफराद के घर वाले बसरा में रह रहे हैं, आप उनकी जाने महफिल बन जाएंगी। जब हम कूफा में अपने कदम जमा लेंगे तो आपके दीदार को चले आएंगे। तुम कूफे के अमीर और हाकिम हो, आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है। मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो। हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो, दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है, और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ जाओ, और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ, खुदा की पनाह में। इतने बेचैन क्यों हो बिन मोती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी, इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है, हमें सहर व जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही, अगर सहर व जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट नहीं उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह। कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा न खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। हमने हुकूमत की शर्तें आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद व मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मज़ारे रसूल पर जाकर मुजावरे कब्रे नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहाँ का भी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजाहिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरन और उर्फन हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। है मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तेहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं, हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ। अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया तो 3 दिन और 3 रात तक, 3 दिन तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा मुसल्ला हैं। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और बरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयस्सर नहीं होगी। जैसे कि तव्वाबीन मगलूब हो गए और आयन उल वर्दा में उनका खून बहा और खुदा उनकी मगफिरत करे। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा है ताकि आप लोगों के लिए लश्कर तरतीब दे सकूं और आपकी सरहदों की हिफाजत करूं, आपके खराज लूं और आपके हिस्से तकसीम करूं और आप लोगों के खराज का बाकी मांदा हिस्सा आप लोगों की रजामंदी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए भेज दूं। जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका दोस्त और भाई हूं, फितनागरों का दुश्मन हूं, गुनाहगार और नाफरमान की कमर तोड़ दूंगा और मुनहरफीन और नाफरमान को कैद कर लूंगा। ये तो वही इब्ने ज़ियाद का तरीका है हमीद। अभी मेरा खुतबा खत्म नहीं हुआ है साहिब। बातिल बातों का इख्तिताम नहीं होता। जो कुछ अब तक आपने फरमाया वो सिर्फ तकरार और तनाकुस था। इन लोगों ने वाज़ो नसीहत बहुत सुने हैं, इन्हें ऐसा अमीर चाहिए जो अपनी बातों पर अमल भी करे। शैतान की बातें वो भी एक फाजिल और अक्लमंद इंसान से साहिब इब्ने मालिक आशारी की जबान से सुनना ताज्जुब खेज है। ये सिर्फ उस वक्त सुनी जा सकती है जब वक्त जाया करना हो। मैं ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से आ रहा हूँ शेख। आपने फरमाया कि मैं शैतानी जबान में बात कर रहा हूँ। पैद नहीं, बशर खता का पुतला है। हम सब शैतान के वसवसों की जद में हैं। बेशक अगर मैंने भी अपने नफ्स के शैतान को मार डाला होता तो मैं अपने तवाफ साथियों के काफिले से पीछे ना रहता। आप जो कि ईमान का नकाब चेहरे पर रखते हुए और मिंबर रसूल अल्लाह पर बैठे हुए हैं, आपको भी शैतान से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हक की बात है, खुदा का फरमान है। साहिब ये बातें तो हिदायत से भरपूर हैं। जो तुम्हारा दिल कहना चाहे कह दो, सर आंखों पर सुनेंगे। शायद मेरी सारी बातें आपके मिजाज को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हकीकत के तलबदार हों तो हिदायत करें। तवाबीन ने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया। अगर कूफे का हाकिम वक्त उनकी मदद करने में मुजायका ना करता तो ऐनुल वर्दा का मैदान आज मरवानियों का मकतल होता, ना के तवाबीन का। अगर बिन यजीद तवाबीन की मदद कर सकता था और उसने नहीं की, खुदा उसे माफ न करे कि उसने गुनाह किया है। बिन यजीद ने मदद नहीं की क्योंकि ये आले जुबैर की सियासत है कि शिया कूफे में ज़ईफ हो जाएं और अकलियत में रह जाएं। ये लोग शियों को गिरोह गिरोह की शक्ल में मरवानियों के मुकाबले पर भेजना चाहते हैं ताकि शिया खत्म हो जाए और उनकी ताकत ताबाल हो जाए। ये गलत बात है, मुवाफिक नहीं हूँ मैं साहिब। अगर तुम मेरे खुतबे को गौर से सुनते तो मैंने अर्ज किया था कि सब मिलकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, गुरोहों में बंटकर नहीं और मनमानी करते हुए नहीं। अगर तव्वाबीन ऐनुल वर्दा नहीं जाते तो क्या आले जुबैर की तलवार उनकी गर्दनों पर थी कि क्यों नहीं जा रहे? यह कौन सा तफरका फैलाने वाला जुमला है? खुदा लानत करे उस पर जिसका इरादा तफरकाबाजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप जंग का इरादा रखते हैं तो अज़्म कीजिए, लश्कर भेजिए, शिया भी आपके साथ होंगे। जी नहीं, हरगिज नहीं। तासुब से दिलों को पाक कीजिए ताकि हम सब मिलकर जहाद करें। हालात मेरे तस्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खलीफा की तौहीन, वो भी खुलेआम, यानी जुबैरियों के ऊंट को कूफे में जिबाह कर डालना। बिन यजीद ने हुकूमत नहीं की, खेल खेला है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बादशाह बनने के खेल खेलते हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, इनसे मीठे अंदाज में पेश आएंगे तो ये हम पर सवार हो जाएंगे। आप इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश आते हैं। मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज औकात एक मुस्कुराहट से एक लश्कर की जितनी फतूहात हासिल की जा सकती हैं। मैं हंसने पर मजबूर था, अगर हंसता नहीं तो हालात की नौयत को समझ नहीं पाता। साहब तो मुख्तार के करीबी दोस्तों में से हैं। इन तमाम गुस्ताखियों की असल वजह मुख्तार है। मुख्तार को आज़ाद नहीं होना चाहिए था। मुझे बावसूख खबरें मिली हैं कि मुख्तार ने आज़ादी के बाद शियों के बुजुर्गों से मुज़ाकरात किए हैं और उन्हें कैद के लिए तैयार किया है। मुख्तार को कैद करना एक गलती थी, मगर उसे आज़ाद करना उससे भी बड़ी गलती है। खुदा कत्ल कर दे बिन यजीद को, बिला वजह उसने मुख्तार को एक खतरनाक रकीब बना दिया।